अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत होंगे। मैं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं बिजनेस ट्यूटोरियल्स, और आज फोर्थ पार्ट है सर्चिंग का। और जैसा कि आप लास्ट वीडियोस में काफ़ी सर्चिंग के कीवर्ड्स सीख चुके हैं, और इस वीडियो में कुछ डिफरेंट और कीवर्ड्स मैं लेके आया हूँ। आपने कीवर्ड्स पर फोकस करना है और आपने नोट करते जाएं, और अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड आप सर्च करके क्लाइंट 100% रियल बायर्स आप फाइंड करके कॉन्टेक्ट करके बड़े से बड़े ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो आपने लास्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, उन वीडियोस में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसे मैंने सर्च किया लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, आज वर्ड यूज़ किया गया है डिस्ट्रीब्यूटर्स का। तो आपने अब स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स इन चाइना, तो आप देख सकते हैं नीचे बेशुमार कंपनीज आ गई हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जस्ट कीवर्ड्स यूज़ करना सिखाऊं। आप यूज़ कर लेंगे तो आप इजीली वेबसाइट पे जाइएगा, आप जस्ट आपने लिंक कॉपी पेस्ट करके नए न्यू टैब में तो आप फाइंड कर सकते हैं कंपनीज़। तो जैसे ये कंपनीज हैं, आप इन्हें इधर भी क्लिक कर सकते हैं, ब्रांड नेम आप इसको कॉपी करके पेस्ट करके तो इसकी वेबसाइट में जाके और भी काफ़ी सारी आप प्रोडक्ट हैं, जस्ट आप इनको ओपन करेंगे तो आपको कंपनीज मिल जाएंगी। इसी तरह नीचे चलते हैं, ये भी हैं और भी बेशुमार है, और नेक्स्ट पेज पे मस्त जाइए। मैंने आपको हर वीडियोस में बताया कि आप नेक्स्ट पेज पे मस्त जाना है आपने, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनी लास्ट पेज पे भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट पेज पे ही हूँ, फर्स्ट पेज पे वही ही होंगी जिन्होंने पे किया होता है और वो एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं कि फ़र्स्ट पेज पर आएँ, और वो छोटी कंपनी भी हो सकती है उसने पे करके वो रैंक में आए हों, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कंपनियां हों। इसी तरह आप देख सकते हैं ये कंपनीज़ हैं, ये सारी उनकी डिटेल्स वगैरह है, तो आप इसी तरह सर्च कर करके आप देख सकते हैं। तो हमने कीवर्ड्स यूज़ किया था लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स का। अच्छा, अब इधर मैं यूज़ कर देता हूँ, लिख देता हूँ टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो फिर एक और न्यू सर्च हमारे सामने आएगी, डिफरेंट और कंपनीज आएंगी। जैसे आपने फर्स्ट में देखा है वो चेंज है, और इसी तरह फिर आप नेक्स्ट पेजेस पे जाते हैं तो आपको और कंपनीज मिलती हैं। देख सकते हैं इसी तरह अगर मैं इधर टॉप इंडस्ट्रीज लिख दूं तो और कंपनीज मेरे सामने, और एक नई सर्च मेरे सामने आएगी और इंडस्ट्री, और यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह होंगी। आप इनको पढ़िए और बहुत नॉलेज आपको मिलेगा कि किस मार्केट में कौन सी मार्केट टॉप पर है हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो इंडस्ट्रीज भी आप सर्च कर सकते हैं, अपने कीवर्ड पे मस्ट फोकस करना है। और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ इधर जस्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि आपने कीवर्ड को आगे पीछे करके सर्च करना है तो आपको नई से नई सर्च मिलती जाएगी, नई से नया डाटा आपके सामने आता ही जाएगा। इधर अगर आप लास्ट पे लगाया आपने, या फर्स्ट पे आप चाइना लगा दें, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ आ रही होगी आपको कि सर्चिंग बेसिकली है क्या। आपने जस्ट वर्ड्स का हेर फेर करके तो आपने सर्च करते जाना है, तो ये आपके सामने बेशुमार कंपनीज आती जाएंगी। और नेक्स्ट पेजेस पे मस्त जाइए, लास्ट पेज पे देखिए, लास्ट पेज पर भी देखिए 5 की फैक्टर्स फॉर मूविंग फ्रॉम चाइना मैनुफैक्चरिंग वियतनाम, और भी बहुत कुछ है मेड इन चाइना 2025, यानी कि ये इंडस्ट्री बयान कर रही है सारा कुछ, इनकी डिटेल वगैरह स्पोर्ट्स के मुतल्लिक ही है, और ये चीज़ें आप सारी देख सकते हैं। अच्छा, और एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो है बिज़नेस प्रमोशनल्स, बिजनेस प्रमोशन आप काउंसिल कह सकते हैं। अच्छा, बिजनेस प्रमोशनल काउंसिल्स ऑफ स्पोर्ट्स सॉरी इन चाइना कनाडा, तो
ये एक्सपोर्ट प्रमोशन जो कौनसल्स होंगी वो ओपन होगी इनसे, और वहाँ पर आप जाके इनका डाटा वगैरह देख सकते हैं। देखिए नीचे काफ़ी सारे हैं। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान लिख देते हैं तो पाकिस्तान के आ जाएंगे आप। उधर से भी आप मेंबर्स आप देख सकते हैं, डायरेक्टरीज देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सारा कुछ शो हो जाएगा। तो आप बेसिकली फोकस कीजिए कि कीवर्ड्स किस तरह काम करते हैं, यही आपको बेसिकली सिखाना है मैंने। और अगर इधर आप लिख देते हैं रिटेल शॉप्स इन चाइना, तो ये आपके सामने आ जाएंगे, स्टोर्स आ जाएंगे डिफरेंट। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इन चाइना, ये कंपनी है, तो इस तरह इजीली नेक्स्ट पेजेस पे जाइए, मस्त जाइए। टॉप 10 चाइना स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसी तरह ये देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां अवेलेबल हैं, और ये रियल हैं, और रियल आपको पता चल जाएगा जब उनका सारा डाटा मौजूद है उनकी वेबसाइट पे, एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट, उनका ईमेल, तो आप समझ सकते हैं कि वो कंपनी काम कर रही है। इसी तरह अगर आप इधर एम्बेसीज लिख देते हैं, एम्बेसीज इन चाइना, तो आपके सामने ये भी आ जाएंगी। तो आप एम्बेसीज वगैरह को कांटेक्ट करके इनसे लिस्ट ले सकते हैं बिजनेस की। आपको नहीं पता तो टेंशन नहीं आप लेनी, बस आपने जस्ट डिफरेंट कीवर्ड्स, क्योंकि इंटरनेट आपके पास हर किसी के पास अब अवेलेबल है, तो उसका मिसयूज मत कीजिए। चाइनीज एम्बेसीज, वर्ड आप चेंज करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती जाएंगी, तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि हमें अगर मैं चाइनीज एम्बेसीज इन पाकिस्तान लिखूँगा तो पाकिस्तान में शो हो जाएंगी, तो मैं इधर उनसे कांटेक्ट वगैरह करूँगा और बोलूँगा कि मुझे जो चाइना की बिज़नेस इंपोर्ट डायरेक्टरी एक्सपोर्ट डायरेक्टरी चाहिए, तो आपको दे देंगे। हो सकता है आपको कुछ पे करना पड़े, लेकिन आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप ट्रेड शोज, लेदर गुड्स, तो ये आपके सामने ट्रेड शोज़ आ जाएंगे। आप ट्रेड शो में क्या है, बेसिकली जितने भी लोग वहाँ पर विज़िटर गए होंगे, और इससे आपको और भी चीज़ पता चलनी है, वो ये चलेगी आपको कि आप यानी कि कोई भी एग्जीबिशन आपके रिलेटेड जो होगी तो उसकी अपडेट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद होती हैं, और कितने एग्जीबिटर्स होंगे, और लास्ट आप प्रीवियसली आप निकाल सकते हैं ट्रेड शो 2018 का, तो ये आपके सामने आ जाएंगे। आप इनको जब ओपन करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप ऑप्शन में जाइए और चेक कीजिए, क्योंकि वीडियो में टाइम थोड़ा सा कम होता है, आपको थोड़े वक्त में ज़्यादा ज़्यादा बताना पड़ता है। इसी तरह आप एग्जीबिशंस ऑफ स्पोर्ट्स वेयर इन कैनेडा, तो आपके सामने ये भी सारे शो हो जाएंगे। जिस तरह ये है, तो सारा कुछ पढ़ेंगे जब आप, तो देखिए 39 एग्जीबिटर्स ऑफ करंट एडिशन, यानी कि 39 जो एग्जीबिटर्स हैं, ये टी शर्ट्स फॉर मैन,
तो ये ऐड है, इसी तरह आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, और भी सारे कहाँ पर एक्सपोज लगेंगी, ट्रेड शोज, एग्जीबिशंस, तो ये सारा आप देख सकते हैं। अगर कोई आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको और गाइड भी कर दूँगा। इसी तरह आप एग्जीबिटर्स लिख सकते हैं, जो जिन्होंने अटेंड किए हैं एग्जीबिशंस। तो ये लिस्ट है आपके पास, ये आप देख सकते हैं। अब आपके सामने ये एग्जीबिटर, ये कंपनीज नेम है जिस जिस कंपनी ने हिस्सा लिया हुआ है, ये देखिए, ये टेक्नोस्पोर्ट कनाडा। इसी तरह आप देखते जाइए नीचे, और ये सारी इनकी वेबसाइट ऑलरेडी हैं, सारा कुछ आप देख कर, और भी बेशुमार ये आप देख सकते हैं, बेशुमार लिस्ट्स हैं। और ये पेजेस पे नेक्स्ट पे जाइए तो आपको बेशुमार ये ना ख़त्म होने वाला डाटा आपके पास हो जाएगा। आप इसको कॉपी पेस्ट करके रखिए, और ताकि आपके काम आ सके, आप सिर्फ सर्च ना करते जाइए, जस्ट इसी तरह आप लिस्ट लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स वेयर कंपनीज इन कनाडा। तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी, ये देखिए, इसी तरह अगर आप, ये सारी चीज़ें हैं, आपने जस्ट फोकस करने हैं कीवर्ड्स पर, क्योंकि आप सर्चिंग सीख रहे हैं, तो सर्चिंग ही बेसिकली क्लाइंट्स आपको ढूंढ के देती है। अगर आपको सर्चिंग आती है, लोगों ने सर्चिंग के लिए कंपनीज ने आगे एम्प्लॉय रखे हुए हैं कि ताकि वो सर्च करें और ईमेल्स करें, तो आप घर बैठ के 100% रियल बायर्स इसी तरह सर्च करके, उनसे कॉन्टेक्ट करके एक बड़े से बड़ा ऑर्डर पकड़ सकते हैं, और आप मिलियनर बन सकते हैं। इसी तरह आप चेंज करते जाइए चीज़ों को, और ये है कि आप इजीली कर सकते हैं। इधर आप बायर्स लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा, इधर अगर आप इंपोर्टर्स लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा, एक्सपोर्टर्स लिख देंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी सारी। इसके बाद आप मैन्युफैक्चरर्स आप लिख देंगे तो आपके सामने कंपनीज आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप शॉप्स लिख देंगे तो आपके सामने ये आ जाएंगे। इसी तरह चाहे वो आप टॉप का वर्ड्स यूज़ कीजिए, कंपनीज, या आप इंपोर्टर्स लिख सकते हैं, इंपोर्टर्स, तो फिर आपके सामने ये डेटाबेस आया। आप इसको ओपन करेंगे तो आप इजीली सारा आप डिटेल्स वगैरह पढ़िए, और आप उसमें से आप अपने मुताबिक जो आपके रिलेटेड है उसको आप कॉपी कीजिए और अपनी फाइल में सेव कर लीजिए। रिपोर्ट्स वगैरह मस्ट पढ़िए, क्योंकि रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या चल रही है, और कौन सी मार्केट, किस प्रोडक्ट की मार्केट कहां पर है। तो ये चीज़ें भी आपको सीखना ज़रूरी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये गूगल से हमने सर्चिंग को कंप्लीट किया है। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, या हो सकता है कि कुछ रह गया हो आपको लगता हो, तो फिर भी आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और इसके अलावा आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़रूर